चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्ड्स स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो केमिकल बॉन्ड्स जनरली ऐसे फोर्स होते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखते हैं केमिकल बॉन्ड्स में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं इसके साथ साथ हम कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे तो अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का सीवी वन ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है अमोनिया मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ऑन दी अदर हैंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन और रेडॉन चलिए इसका कारण जानते हैं कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करती हैं ये है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन ये है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ क्रिप्टन ये जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन है और ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन है अगर हम इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन में आउटर शेल यानी कि सबसे लास्ट वाली शेल को देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो नोबल गैसेस हैं इन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन होता है और इसीलिए इनकी एनर्जी मिनिमम होती है इसीलिए ये एलिमेंट्स जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं यानी कि कम्बाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमने समझा कि कुछ एलिमेंट्स कम्बाइंड स्टेट में मिलते हैं ऑन दी अदर हैंड कुछ एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो चलिए अब इसका रीजन समझ लेते हैं इसका रीज़न समझने के लिए हमें समझना होगा लुइस सिंबल्स। तो हम पहले बात करते हैं लुइस सिंबल्स के बारे में लुइस सिंबल्स को दिया था जी एन लुइस ने यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो किया है जो कि टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर कोश में और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर कोश में इसका मतलब टोटल आठ इलेक्ट्रॉन्स तो जी एन लुइस ने बताया कि जो किसी भी एलिमेंट्स के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जी एन लुइस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल नोटेशंस का यूज किया था जिनको हम लुइस सिंबल्स कहते हैं यहां पर आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लुइस सिंबल्स देख सकते हैं यहां पर एलिमेंट्स और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है जैसे लीथियम में एक बेरिलियम में दो बोरॉन में तीन कार्बन में चार नाइट्रोजन में पांच ऑक्सीजन में छह, फ्लोरीन में सात और नियॉन में आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि NO2- का लुइस स्ट्रक्चर बनाइए तो चलिए देख लेते हैं कि NO2- का लुइस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसके लिए जो स्टेप वन है वहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने की तो NO2- का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो है ओ स्टेप टू में सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से हम शो करते हैं जैसे ऑक्सीजन के लिए सिक्स और नाइट्रोजन के लिए फाइव इसके बाद सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है जैसे कि यहाँ पे एन है इसकी वैलेंसीज को पूरा करते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन ने दोनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना लिए हैं जिससे नाइट्रोजन के और बाकी दोनों ऑक्सीजन के सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं अब नाइट्रोजन और कोई भी एक ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एट एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज तो इसीलिए एनओ टू माइनस को इन दो स्ट्रक्चर्स के द्वारा शो किया जाता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अब समझते हैं कौशल अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड तो कौशल ने क्या किया था कि उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को शो किया यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम और सीजियम जिनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं और उन्होंने इसके साथ साथ 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को भी शो किया जिन्हें हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं जबकि हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं इसीलिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपिटिव होते हैं और हेलोजन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसीलिए एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कैटाइंस फॉर्म करते हैं जबकि हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन यानी कि एनाइंस फॉर्म करते हैं और इस प्रकार से बने हुए कैटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होकर सॉलिड्स को फॉर्म करते हैं और ऐसे कैटाइंस और एनाइंस से बने हुए सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उन बॉन्ड्स को कौशल ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा था